दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं बिजनेस गुरुजी। दोस्तों, आपने हमारे चैनल पर बहुत सारे ब्रांड के प्रमोशन देखे होंगे, बहुत सारी फ्रेंचाइजी के प्रमोशन देखे होंगे, लेकिन दोस्तों इनमें से कुछ ही फ्रेंचाइजी ऐसी होती हैं जिनके प्रमोशन के लिए आप एक्साइटेड होते हैं। तो ऐसी ही एक फ्रेंचाइजी मैं आज लेके आया हूँ जिसको लेके मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। नाम बता देता हूँ, कंपनी का नाम और जो ब्रांड का नाम है वो है चाय सुट्टा बार। आपने इसका नाम सुना होगा और हम इसकी कैसे फ्रेंचाइज ले सकते हैं वो सब हम आपको बताएंगे। सबसे पहले थोड़ा सा शॉर्ट स्टोरी बता दूं। अक्सर क्या होता है, जब भी कोई ब्रांड हमारे साथ जुड़ना चाहती है वो हमें मेल करती है, हम उनसे काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन करते हैं, ब्रांड को समझते हैं। लेकिन दोस्तों, जब चाय सुट्टा बार की टीम ने हमसे कॉन्टेक्ट किया और जब हमने इस पर रिसर्च की तो पता लगा ये यूथ हैं, 20-22 साल के बॉयज़ हैं जो ये फ्रेंचाइजी, ये जो स्टार्टअप है उसको रन करते हैं। तो हमने ज़्यादा न सोचा और हमने सीधे इनकी टीम को बोला कि हाँ, हम आपकी जो कंपनी है, जो ब्रांड है, उसको प्रमोट करेंगे। दोस्तों, इनकी जो फ्रेंचाइजी है उसको प्रमोट करने के लिए मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि ये तीन यूथ हैं, तीन दोस्त हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे थे और इनके मन में एक प्लान आया कि क्यों ना ये एक स्टार्टअप शुरू करें। और इन्होंने इसकी शुरुआत की इंदौर से और आपको जानकर आश्चर्य होगा, फिलहाल इनके 100+ स्टोर हैं, न केवल इंडिया में, इंडिया के बाहर भी इनके जो फ्रेंचाइजी है वो अच्छी खासी रन हो रही है, काफ़ी सक्सेसफुली रन हो रही है। तो अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए क्या आपकी भी कोई प्लानिंग है फ्यूचर में कोई भी स्टार्टअप लाने की, या आपने कभी भी चाय सुट्टा बार की अगर चाय पी है तो भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका क्या फीडबैक है। इनकी जो जर्नी है, इस कंपनी की जो जर्नी है काफ़ी अच्छी है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। चाय सुट्टा बार क्या है, कैसे फ्रेंचाइज देता है, कैसे यहाँ वर्क होता है और कंपनी की जो जर्नी है वो दिखाएंगे और फिर आपको बताएंगे कैसे आप इसकी फ्रेंचाइज ले सकते हैं। तो वीडियो अंत तक देखें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, जो यूथ हैं उन्हें काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा जो इसके फाउंडर हैं उनसे। नमस्ते, मैं हूं अनुभव दुबे, को फाउंडर ऑफ चाय सुट्टा बार। मैंने आनंद और राहुल के साथ मिलकर स्टार्ट किया 2016 में ये वेंचर। चाय सुट्टा बार एक ऐसी यंगस्टर्स की जगह है जहां पे ऑन एन एवरेज डेली में मोर देन 40,000 to 60,000 पीपल का फुटफॉल होता है, मोस्टली यंगस्टर्स। सो एक इस चीज़ के लिए हम लोग बहुत लकी हैं और चाय सुट्टा बार ने मेरे को बहुत सारी सिखाई है और मैंने चाय सुट्टा बार से बहुत सारी चीज़ें सीखी है। पहली चीज़ के चाय सुट्टा बार हर यंग आर्टिस्ट का, नो मैटर यंग ओल्ड कैसा भी आर्टिस्ट, आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म देता है, जो लोकल आर्टिस्ट होते हैं उनको प्लेटफॉर्म देता है, रॉ आर्ट को प्रमोट करता है क्योंकि हम लोग के पास इतना ज़्यादा फुटफॉल है तो हम लोग उसको यूज़ करते हैं एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट टू एवरीवन। और चाय सुट्टा बार में मोस्टली जितने भी हम लोग के एम्प्लॉयज़ हैं या तो ऑर्फन है या डिसेबल्ड या फिर सारे बहुत ही ज़्यादा BPL है, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे के, और आज हम लोग उनको सबको बहुत अच्छे साथ रखते हैं। तो एक तो ये चीज़, इससे हम लोग को बहुत सारी चीज़ सीखने को और मिलती है, जैसे कि चाय सुट्टा बार आज वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कुल्हड़ यूज़ करता है। Uh,
हम तीनों चाय सुट्टा बार के एमडीज़ हम लोग इंदौर से नहीं है, मेरा घर तो 850 किलोमीटर दूर है, ऐसे मैं रीवा से हूँ। तो जब यहाँ पे चालू कर रहे थे तो एक बड़ा सा, क्योंकि स्टार्टअप इज़ नॉट अ फेरी टेल, तो ये यहाँ पे बड़ा सा एक डर लगता था कि कैसे चालू करें। लेकिन हम लोग को लगता था कि स्टार्टअप B2C है, जैसे हम लोग हर एंटरप्रेन्योर और एक कोई भी काम करने वाला सोचता है कि स्टार्टअप एक फैंसी वर्ड लगता है और एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत ज़्यादा फैंसी वर्ड लगता है। तो हमने चालू तो कर दिया कि हम लोग को चाय बेचनी है, कस्टमर को देना है, तो चालू तो कर दिया। बीच में जो हर्डल्स आए वो हर्डल्स बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थे, क्योंकि हम लोग B2C सोच के चलते थे, बिजनेस टू कस्टमर। चाय, चाय सुट्टा बार की चाय अच्छी, कारण ये भी है लोग इसलिए अच्छी लगे क्योंकि हम लोग प्योर बनाते हैं। प्योर में सांची गोल्ड का हम लोग मिल्क यूज़ करते हैं, MP डेयरी फेडरेशन का, एक बूंद भी पानी नहीं यूज़ करते हैं, मधुर गोल्ड यूज़ करते हैं शक्कर उसमें, और कुल्हड़ में देते हैं जो कि वन टाइम यूज़ रहता है। और हम लोग ने फ्लेवर्स इसमें डिज़ाइन कर दिए, क्योंकि चाय अहलिक आदमी दिन भर चाय पीते और डेली चाय पीते हैं, तो हम लोग को लगता है कि चाय से कभी बोर नहीं हो जाए, तो इसलिए चाय के हमने फ्लेवर बना दिए। तो चाय के फ्लेवर्स हैं, क्योंकि 7 दिन होते हैं हफ्ते में, इसलिए 7 फ्लेवर्स, चॉकलेट, अदरक, इलायची, मसाला, रोज़ 5 तुलसी। फ्लेवर्स और भी बढ़ रहे हैं, लेकिन ये 7 को मैं रेगुलर कर रहा हूँ कि ये 7 तो रहेंगे। मैं जो भी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एक ही बहुत सारी चीज़ें बताना चाहूँ, बहुत सारी चीज़ें इतने छोटे टाइम पर बता नहीं सकता, तो मेन पॉइंट बता देता हूँ कि आपको मेंटली स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ गांठ बांध के समझ लेना कि करना है, और करने के लिए ना कोई वो बतौलेबाजी मत ढूंढना कि चोचला नहीं चलते मार्केट में, आपका काम दिखता है। डरो मत किसी से भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अगर आपके अंदर वो प्रोडक्ट आपका स्ट्रांग है, आपको करने का है तो आप कर जाओगे, सोचना नहीं जाता। कोई भी सक्सेस स्टोरी बिना हर्डल्स को पार के नहीं बनती, और हर्डल्स सबके में आते हैं, मेरे में कोई नया नहीं है, सबके में आते हैं, और तभी सक्सेस स्टोरी बोली जाती है जब आप उस चीज़ को क्रॉस करके सक्सेस अचीव करते हो। तो याद रखना, सक्सेस अचीव करना बहुत इंपॉर्टेंट। दोस्तों, आपने इनकी जो इंटरेस्टिंग जर्नी है वो देखी, अब बात करते हैं कि कैसे आप इनकी फ्रेंचाइजी ले पाएंगे। दोस्तों, आप चाय सुट्टा बार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ गए हैं, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये है chaisuttabarindia.com, इस पर आप आएंगे तो आप कंपनी के बारे में और स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, चाय सुट्टा बार है, लेकिन यहाँ चाय के अलावा भी बहुत कुछ मिलता है। यहाँ जो चाय मिलेगी बहुत सारे फ्लेवर में मिलेंगी, इसके अलावा यहाँ आपको बर्गर भी मिलेगी, सैंडविच भी मिलेगी और मैगी भी मिलेगी। आप इनकी वेबसाइट है, इसको आप देख सकते हैं। अब हम सीधे बात करते हैं कैसे आप इनकी फ्रेंचाइज लेंगे। तो यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है BA फ्रेंचाइज, इस पर आप क्लिक करिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू पेज पे आप पहुंच जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। यहाँ एक फ्रेंचाइज फॉर्म है, ये आपको भरना होगा। कुछ बेसिक बता दूंगा कि कितना इन्वेस्टमेंट होगा, क्या होगा। तो आप यहाँ फ्रेंचाइज फॉर्म को भर के, नेम है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, एरिया है जहाँ का आप लेना चाहते हैं, फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं, स्टेट है, और जो भी मैसेज आप चाहें और आप सेंड कर देंगे। आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ कि कितना इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। जो फ्रेंचाइजी फीस है वो 6 लाख रुपये है, और बात करें एरिया रिक्वायरमेंट की तो वो 80 से लेकर 2000 स्क्वायर फीट तक होना चाहिए। एवरेज ROI यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है आपका 108%, जो काफ़ी अच्छा है। और जो एग्रीमेंट की टर्म्स होगी वो 5 ईयर के लिए होगी, ये आप देख सकते हैं। और कंपनी का बोलना है कि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट आपका 15 लाख तक हो सकता है, बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसमें। आपको बता दूं, आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कम या ज़्यादा हो सकता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया कि कैसे आप इनकी फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई करेंगे। दोस्तों, अगर आप इनसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो अबाउट अस सेक्शन में जाइए, इस पर आप क्लिक करेंगे। नीचे आएंगे, कॉन्टेक्ट अस पर जाइए, आप यहाँ देखेंगे कंपनी का एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी आ रही है, आप इसके द्वारा भी इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये डिटेल थी कैसे आप चाय सुट्टा बार की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, कैसे उनकी जर्नी स्टार्ट हुई। और आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अधिक से अधिक फॉरवर्ड करें, जिससे यूथ है इसका फ़ायदा उठा पाएँ। अगर वो फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो ले सकता है, और इनकी जो स्टोरी है उससे इंस्पायर होना चाहता है वो भी हो सकता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।